पिछले 8 दिन से लगातार, चाहे बारिश है चाहे हुमस है, ये लोग लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और FAA के ये सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स हिम्मत हारने वाले नहीं है, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो चाहे बारिश हो, ये लोग हिम्मत हारने वाले नहीं है। बेटी पढ़ाओ और बेटी को सड़क पे बिठाओ, ये लोग बैठे हुए हैं सड़कों पर पिछले 8 दिन से लगातार, चाहे उसमें बारिश हुई या फिर उसमें कड़ी धूप थी या फिर जितनी मर्जी भी हुमस थी, ये लोग अपने यहाँ से हिले नहीं हैं और सिलेक्शन लिस्ट की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। Day 8 जस्टिस फॉर मेटोरियस। और सरकार इनके बारे में क्या सोच रही है, ये लोग इस बारे में सोचते रहते हैं कि हमारा क्या बनेगा, पर ये लोग एक चीज के लिए जरूर बैठे हुए हैं कि हम अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, जो मर्जी भी हो जाए, हमें सिलेक्शन लिस्ट चाहिए। जो भी गलत बच्चे हैं, जो भी जिन लोगों ने पैसे दिए उनको बाहर निकालिए, आप हमें क्यों बाहर निकाल रहे हैं, ये लगातार मांग कर रहे हैं। और चाहे एक चीज जरूर देखने वाली है कि अगर कहते हैं 972 कैंडिडेट्स हैं, यानी कि 972 कैंडिडेट्स हैं, तो क्यों ना आप जांच करें। इतनी बात तक के कह देते हैं कि यहाँ पर हम बैठे हैं, आप हमारा इंटरव्यू ले लें 20-30 नंबर का, यहाँ पर आकर ले लें, आपको बता देंगे कि हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं या फिर पैसे देकर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जरा इनसे बातचीत करेंगे, सर क्या कहना है, 8 दिन हो गया लगातार आप लोगों को यहाँ पर बैठे हुए, किसी ने आपकी सुनी है या कोई आपको आपसे मिला है कोई आकर यहाँ पे? सर आज 8 दिन हो गए हमें यहाँ आके, किसी ने हमारी कोई सुध-बुध नहीं ली है। LG सर से हम रोज, बारिश हो गर्मी हो जो कुछ भी मौसम हो, हम यहाँ पे बैठे हैं गुहार लगा रहे हैं, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। हम यही चाहते हैं सर, हमें अपना हमारा फॉल्ट बता दो, हमारा फॉल्ट क्या, क्या हार्डवर्क हमारा फॉल्ट है? सर हम ये भी कह रहे हैं कि पहले तो हमें इसमें कोई स्कैम लग नहीं रहा, अगर आपको लगता है कोई आपके पास कुछ ऐसे प्रूफ हैं या कुछ एलिगेशन आप हम पे लग रहे हैं, तो हम वी आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आप करिए बस लिस्ट स्क्रैप, हमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। हम चाहते हैं हमारी लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट जल्दी से जल्दी मिले, और हम ये नहीं चाहते कि सर आप मतलब दावे कर रहे हैं पार्लियामेंट में 30,000 कुछ, हमें उन 30,000 से कोई मतलब नहीं। सर आप हमारे 972 यहाँ दे दीजिए, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट जल्द से जल्द मिल जाए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। सर पिछले दिनों से आप बैठे थे, गर्मी भी थी बारिश भी थी, कुछ आक्रोश भी आप में जरूर आया, कुछ उसके बारे में कहना चाहेंगे? क्योंकि गर्मी से आप लोग यहाँ पर हिले नहीं, आप लोग लगातार यहीं पे बैठे थे, कुछ आक्रोश भी आपने में जरूर दिखा, कुछ कहेंगे आप? सर वो आक्रोश नहीं, वो हमारा पेशेंस है, हम लोग इतने दिनों से आज बैठे, हमने धूप नहीं देखी, हमने छांव नहीं देखी, सर हम लोग भूखे बैठ रहे हैं। पहले 4 दिन तो हमने हंगर स्ट्राइक की, हमें ये भी नहीं पता चलता कि कैसे शाम होती है कब सुबह होती है। सर हम लोग बस घर जस्ट सोने के लिए जाते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि यहाँ पे हम बस यहीं बैठे रहते हैं। सर हमने ना खाने का पता है ना पीने का पता है, हम क्यों ना बैठे? सर हमारी 4 साल की मेहनत है, सर हमने दिन रात एक किया है सर इस जॉब के लिए, और आज हमें ये सुनने को मिलेगा कि एक ट्वीट से ये स्क्रैप कर देंगे, वो हम होने नहीं देंगे। सर हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी, हम देंगे लेकिन हम यहाँ से उठेंगे नहीं। सर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मिलने का आपको मौका मिला या उनकी तरफ से कोई कॉल आई आपको? सर आज 8 दिन हो गए, हमने LG साहब को मेल डाली हुई है अपॉइंटमेंट के, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मेल का रिस्पॉन्स? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर, हम भी वेट ही रोज सुबह उठते हैं, देखते हैं, मेल चेक करते हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सर LG साहब आवाम की आवाज की बात करते हैं, लेकिन सर उस दिन एक भी उन्होंने जिक्र नहीं किया हमारी, का क्या हम आवाम नहीं है? सर ये बच्चा जो बैठे, ये 972 फैमिली आवाम नहीं है? सर हमारी कोई आवाज नहीं है? ये बना देते हैं ना, बस वही है सर, ग्राउंड रियलिटी में आपको दिख ही रहा है कि बेटी पढ़ चुकी है, नौकरी भी ले चुकी है, लेकिन अब उसे सड़कों पे बैठना पड़ रहा है वो अपने ही हक के लिए। किसी ने आपसे कोई संपर्क किया? नहीं सर, किसी ने नहीं किया हुआ। हम 8 दिन से लगातार धूप भी सहली, बारिश भी होगी, सब हर एक मौसम को इवन हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और यहाँ पर गटर में इतनी गंदी स्मेल है, फिर भी हम बैठे हुए क्योंकि ये हमारा पेशेंस लेवल चेक कर रहे हैं। आज 8 दिन हुआ, ऐसे 80 दिन भी हो जाएंगे हम यहाँ से नहीं हिलने वाले, जब तक हमारी सिलेक्शन लिस्ट नहीं रिलीज करते हम यहाँ से नहीं उठने वाले। डॉक्यूमेंट्स उनके पास पड़े, क्या वो इतनी CBI इन्वेस्टिगेशन जो हमारी एजेंसीज है वो इतनी वीक है कि वो एक तरफ से हम बोल सकते ना गलती है, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, हम इवन बोलने को तैयार है, हम इवन कॉर्पोरेट करने को तैयार है कि हाँ कि हमारी इन्वेस्टिगेशन करो, वो इस चीज को मान ही नहीं रहे हैं। हम जिस तरह से पहले भी कह रहे हैं कि इनका कहना है कि अगर ऐसा कुछ आपको लगता भी है तो आप आके इन्वेस्टिगेशन तो करें, बंद कमरों में इन्वेस्टिगेशन होगी, बंद कमरों में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आप लिस्ट स्क्रैप कर देंगे तो वो हमें मंजूर नहीं है। फिर चाहे वो 8 दिन के बजाय 80 दिन भी हो जाएंगे, हम लोग लगातार यहीं बैठे रहेंगे, अपनी सिलेक्शन लिस्ट का इंतज़ार करते रहेंगे,
और दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि हमारा पेशेंस का इंतजार किया जा रहा है कि कितनी पढ़ाई कर नंबर लेते हैं, आप उनको क्यों बाहर निकाल रहे हैं। और 8 दिन हो चुके हैं, दूसरा इनका कहना है कि चाहे दिन 80 भी हो जाएंगे, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। बने रहे आप हमारे साथ नई अपडेट के लिए, देखते रहे अन्य अस्पताल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।